हेलो फ्रेंड, जैसा कि देख पा रहे हैं आज मेरे पास टी वी एस स्पोर्ट 2011 मॉडल है। यहाँ पे दिख पा रहा होगा सेल्फ वाला वर्जन है, सेल्फ स्टार्ट है। और आज इसमें जो इशू है, गाड़ी में करंट नहीं आ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बता दें कि इसमें करंट ना आने का रीज़न क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसका कैसे वायरिंग चेक करना है, मैग्नेट सेट से कहाँ से इसका इनपुट निकलता है, कैसे इसका आउटपुट किस जगह पर जाता है, और पिकअप कॉइल कैसे चेक करना है, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरा काम बहुत समझिए आसान हो चुका है, क्योंकि गाड़ी मेरे पास जो खींच के लाया गया है इसको, मतलब टोचन जिस तरह करके लाते हैं, और किसी दूसरे मैकेनिक भाइयों को ये दिखाया, बट इनको प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, इसलिए गाड़ी फिर मेरे पास आई है। प्रूफ के तौर पर आपको दिखा दें, उसका मैगनेट सेट ओपन हुआ है, यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा रेजी बोंड लगा हुआ है, ये इधर रेजी बोंड कम्प्लीट मैगनेट सेट रेजी बोंड, ये इसका प्रूफ है। तो हमें क्या क्या चीज़ इसमें नहीं चेक करना पड़ेगा उसके बारे में बता देते हैं कि क्या क्या हमें नहीं चेक करना पड़ेगा। मेरा काम समझिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि इसका मैग्नेट साइड का जो कॉइल होता है, आर्मेचर कॉइल, उसके कंप्लीट डाला गया है, फिर भी करंट नहीं आया गाड़ी में। तो इधर खोलना एकदम बेवकूफ़ी रहता है, क्योंकि सिर्फ इधर हमारा लाइटिंग का कॉइल होता है, सिर्फ एक स्टार्टिंग के लिए पिकअप कॉइल होता है, इसमें स्टार्टिंग का कोई कॉइल नहीं होता है। तो इसमें तो हमें इसको ओपन करना ही नहीं, क्योंकि इसको ओपन करके कोई भाई देख लिए इसका करंट नहीं आया। दूसरा चीज़, एक चीज़ इसमें और चेक करके देख लिया गया है, जिसको हमें ओपन करने की एक जरिए से ज़रूरत नहीं है, वो है इसका इग्निशन। मैंने यहाँ से दो तीन चीज़ चेक किया है, ये देख पा रहे हैं इसके इग्निशन को यहाँ से कट करके देख लिया गया है डायरेक्ट करके। बहुत से बार होता है कि चाबी का स्विच ख़राब हो जाने से भी करंट नहीं आती है। तो ये इसका दो अर्थ वायर, इससे कोई लेना देना नहीं, जो इसका दो मेन वायर है, जो एक बैटरी से कनेक्ट आता है और एक यहाँ पे सीडीआई से जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो जानने वाली चीज़ है, इसके अंदर न सीडीआई रहती है, न टीसीआई यूनिट रहता है, कुछ नहीं रहता है, सिर्फ एक एचटी कॉइल होता है, इसी के अंदर सारा चीज़ हमारा वर्क होता है। इस जगह पर एचटी कॉइल लगा होता है और सिर्फ मैग्नेट में कॉइल लगा होता है, बाकी कहीं से इसके स्टार्टिंग के रिलेटेड कोई चीज़ नहीं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी बैक डिटेल वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे फट से कमेंट कीजिएगा। तो अब चलिए इसमें प्रोसेस आपको हम बताते हैं। प्रोसेस बताने से पहले एक बार आपको कंप्लीट सारे टैंक वगैरह उतारते हैं, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकें। तो चलिए फट से टैंक सीट वगैरह पैनल वगैरह कंप्लीट ओपन करते हैं, फिर आपको हम दिखाएंगे। हमको इग्निशन नहीं चेक करना पड़ेगा और मैग्नेट सेट चेक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उधर खोल के देख लिया गया है। तो दोस्तों, फाइनली इसका टैंक वगैरह कंप्लीट निकाल लिए हैं। और हमें क्यों लगता है, जिन भाइयों के पास ये गाड़ी गया है वो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी फेस किया, बट उसको समझ में नहीं आया, उन्होंने बोल दिया कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको जो खोलने के बाद जो इसको पता चला है, उन्होंने इस जो पिकअप कॉइल का जो पॉजिटिव वायर होता है, यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको, ये एक नेगेटिव वायर है पिकअप कॉइल का, एक पॉजिटिव वायर, तो इसको उन्होंने कट करके इस जगह पे टेपिंग किया है। और शायद हमें क्यों लगता है कि इसमें बॉडी में टच करके पिकअप कॉइल में करंट चेक कर रहे होंगे, बट आपको बता दें कि पिकअप कॉइल में इसमें कभी भी करंट नहीं आएगा। तो इस पर सारा वायरिंग का डिटेल आपको हम बताएंगे, कहाँ से किस तरह से इसका वायरिंग वर्क करता है, और कैसे आपको एक एक टिप्स के, मतलब शुरू से कैसे इसका करंट चेक करना है, ये वीडियो कंप्लीट देखिए। इसके बाद से अगर आपके पास टी वी एस स्पोर्ट पहुँचती है तो कभी आपको करंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उसको हमेशा से सोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैग्नेट चेक करना है और यहाँ पर इग्निशन चेक करना है, फिर इसके सीडीआई नहीं होता, एक चीज़ आपको आसानी होगा, ना सीडीआई ना टीसीआई यहाँ पे इसका लगा होता, बट इसमें कुछ नहीं है, स्पोर्ट में आपको सीडीआई नहीं देखने को मिलेगा। एचटी कॉइल में सारा फंक्शन उसका रहता है, यहाँ पे दिख पा रहा होगा, ये एचटी कॉइल इसका लगाया गया है यहाँ पे, इसी में सारा चीज़ रहता है उसका। तो चलिए एक एक आप कैमरा को होल्ड करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे इसका वायरिंग चेक करना है शुरू से, कहाँ से करंट इसका गुल है और कैसे इसके स्पार्क प्लग का जो नीड है इसमें करंट क्यों नहीं आ रहा, इसके बारे में आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों, ले आए आपको इधर फाइनल मैग्नेट साइड, और मैग्नेट साइड कैसे इसका वायरिंग चेक करना उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे दिख पा रहा होगा एक ये सॉकेट है मैग्नेट साइड से, और इसका टीवीएस में जितनी भी गाड़ी होती है पिकअप कॉइल का सॉकेट अलग से दिया होता है। तो ये जो वायर है एक पिकअप कॉइल का वायर है, तो इसमें तो हमारा करंट आएगा ही नहीं, तो इसको चेक करना एकदम बेवकूफ़ी है। अब इसमें जो हमें चेक करना है, ये जो हमारा मेन रेड वाला वायर है, ये इसमें सिर्फ चेक करना, वायरिंग के बारे में भी हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। सिर्फ करंट कैसे चेक करना उसके बारे में बताएंगे। और कोई भी आपके पास टी वी एस स्पोर्ट या टी वी एस कंपनी की कोई भी गाड़ी पहुंचती है करंट का इशू लेकर, तो सबसे पहले उसमें बैटरी डालें, बैटरी का बहुत ज़्यादा इशू होता है, बैटरी गाड़ी में नहीं रहेगी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले उसमें बैटरी डालें, फिर आगे का प्रोसेस चेक करें। बैटरी डाउन हो जाने के बाद भी गाड़ी में करंट नहीं आती है, तो इसमें मैंने बैटरी डाल के देख लिया, बट बैटरी का इसमें इशू नहीं है। तो सबसे पहले करंट कैसे चेक करना है, ये जो हमारा रेड वाला वायर है इसमें यहाँ पे एक वायर डाल के बॉडी में टच करके आपको शो करके दिखाते हैं करंट मैग्नेट से आ रहा है या नहीं आ रहा है।
बट हमें क्यों लगता है 100% मैग्नेट से करंट आ रहा होगा, क्योंकि जो भाई अगर मैग्नेट कॉइल ख़राब रहता तो इसको मैग्नेट सेट खोल के जो भाई देखे वो मैग्नेट कॉइल डाल देते इसमें, बट इसका मैग्नेट कॉइल सही है। जब उनको समझ में नहीं आया तो मैग्नेट सेट इसका सही है उसको कन्फर्म करने के लिए ये रेड वाला वायर में हमको करंट चेक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वायर अटैच कर लिया है, आपको जो करंट हम शो करवाएंगे इस जगह पे आपको देखना है यहाँ पे करंट आ रहा है या नहीं आ रहा मैग्नेट सेट से, यहाँ पे इस जगह पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको स्पार्किंग दिख रही है, एकदम प्रॉपर तरीके से हमारा मैग्नेट से करंट आ रहा है। तो हमें पहले भी पता था कि मैग्नेट का कॉइल ख़राब नहीं हो सकता है, मैग्नेट साइड खोल के देख लिया गया है मैग्नेट का कॉइल सही है। तो सिर्फ करंट चेक करना है आपको ये रेड वाले वायर में। अब आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं कहाँ पे इसका, और फुल वायरिंग डिटेल चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, फुल वायरिंग का डिटेल का वीडियो भी बना देंगे। अब हमारा जो इसके मैग्नेट साइड से जो प्रोसेस सारी गाड़ियों में जाता है CDI को और, बट इसमें CDI नहीं है इसलिए हमारा डायरेक्ट जाएगा HT कॉइल के ओर। तो HT कॉइल के ओर आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ले आए, और जो बेवकूफ़ी इसके अंदर पहले से की हुई है वो आपको कभी नहीं करना है। पिकअप कॉइल का वायर आपको चेक नहीं करना है, आपको चेक नॉर्मल इसमें क्या है दो वायर सिर्फ आएगा, एक आएगा ये अर्थ का, तो अर्थ के ओर आपको नहीं जाना। जो हमारा RR यूनिट से अटैच रहेगा इसको कभी कुछ नहीं करना, ये नॉर्मल रहता है। ये भी पिकअप कॉइल को आपको कुछ नहीं करना, ये भी नॉर्मल रहता है। दूसरा रहता है अगर बाय द वे आपके पास ये वाला रेड वाला वायर में करंट आए, इसको लगाने के बाद करंट ना आए, तो फिर ये पिकअप कॉइल ख़राब है। तो कैसे चेक करना आपको एक स्टेप से बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको चेक करना कैसे, ये जो हमारा जो HT कॉइल का वायर है बोटल कॉइल जिसको बोलते हैं, इसको यहाँ से ओपन करेंगे ये सॉकेट। अब इसमें आपको एक एक तरफ से बता दें, इसको पहले ओपन कर लेते हैं ताकि आपको हम प्रॉपर तरीके से समझा सकें। तो 4 हेड स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे, ये खुल गया। सिर्फ अर्थ का उधर 8 mm का नट लगा होता है। तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा HT कॉइल में जो है चार वायर रहता है, और ये चार वायर कौन कौन सी चीज़ का है वो आपको बता दें। इसमें चार वायर है, तो ये जो हमारा एक है, एक ये ग्रीन वाला जो हमारा इकोनॉमी का हो गया जो माइलेज कम ज़्यादा मीटर में शो करता है, ये ग्रीन वाला इकोनॉमी, इसमें आपको कुछ नहीं करना। ये जो ब्लैक और वाइट है ये हमारा पावर का लाइट हो गया, और एक जो कंप्लीट ब्लैक है ये हमारा अर्थ हो गया, और एक जो रेड पे ब्लैक है ये हमारा स्टार्टिंग का हो गया। तो इसी में हमको चेक करना। अब बहुत से भाई को समझ में नहीं आया होगा इकोनॉमी और पावर क्या है, तो आपको दिखा दें इसके मीटर असेंबली में, यहाँ पे इधर इस साइड यहाँ पे इकोनॉमी और पावर का लाइट होता है जो माइलेज कम या ज़्यादा का बताता है। ऑल ये स्पोर्ट में TVS जुपिटर में उन सब में इकोनॉमी और पावर का मिल जाएगा। तो आपको कैसे आपको चेक करना है कि यहाँ करंट, तो करंट आपको इस तरह से सेम ये जो रेड वाला वायर है इसमें चेक करना पड़ेगा। ब्लैक पे थोड़ा सा रेड, यहाँ पे आपको जूम करके दिखा दें, ये इस पे चेक करना है। इस पे अगर हमारा करंट प्रॉपर है जब हमारा HT कॉइल ख़राब होगा, और करंट अगर नहीं आया जब बीच कहीं वायरिंग से इशू है। तो दोस्तों जिस तरह से प्रोसेस आपको मैग्नेट से बताएं सेम प्रोसेस इसमें भी यूज करना है। इस वाले सॉकेट पे हमें एक वायर अटैच करना है और बॉडी में टच करके दिखना है कि हमारा करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए फट से इस जगह पे चेक करेंगे ताकि आपको भी प्रॉपर दिखा दें कि कहां से इसका इशू हो सकता है और गाड़ी क्यों बन नहीं पाया पहली बार। यहां पे आपको थोड़ा जूम करके दिखा दें ताकि आपको करंट दिख पाए। इस जगह पे शायद आपको कंप्लीट दिखे ना, बट आपको हम कंफर्म करवा देंगे कि करंट इसमें है या नहीं है। तो थोड़ा सा वायर पहले अटैच कर लेते हैं, यहाँ पे रेड और ब्लैक वाला वायर है, इस पर हम थोड़ा सा अटैच करके, ये अटैच हो गया अब किक यूज करके। और इन सब बता दें इधर जब भी आप वायरिंग चेक करें तो हमारा इग्निशन से कोई मतलब नहीं, इग्निशन ऑन रहे या ऑफ उससे कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा करंट इस जगह पे, यहाँ पे आपको दिख पा रहा हो करंट हमारा एकदम प्रॉपर आ रहा है और इग्निशन भी ऑफ है। तो इग्निशन से यहाँ से कोई लेना देना नहीं, तो इसका मतलब अब हमारा कन्फर्म हो गया दो चीज़। क्या कन्फर्म हुआ, हमारा मैग्नेट से रेड वाले वायर में करंट है और यहाँ से ये भी रेड वाले में करंट है। तो सिर्फ दो इशू हो सकता है, या तो हमारा इसमें HT कॉइल ख़राब है, ये जो HT कॉइल है ये ख़राब है, या फिर हमारा पिकअप कॉइल ख़राब है। तो पिकअप कॉइल जब तक हम मैग्नेट साइड नहीं खोलेंगे हमारा कंफर्म नहीं होगा। तो मैग्नेट साइड खोलने से पहले हमें HT कॉइल जो होता है बोटल कॉइल इसको डाल के चेक कर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेट साइड खोलना बेवकूफ़ी है।
तो सबसे पहले हम एच डी कोयल डाल के, और पिकअप कोयल जो भाई इसको कट किए थे, पिकअप कोयल आपको कट नहीं करना है क्योंकि इसमें करंट कभी शो नहीं करेगा। तो इसको फट से हम टेपिंग करके और एक दूसरा एच डी कोयल डालते हैं, फिर यहाँ पे चेक करेंगे, अगर करंट आ गया तो हमारा एच डी कोयल ख़राब है, और करंट नहीं आया तो हमारा पिकअप कोयल ख़राब है। तो सबसे पहले एच डी कोयल, तो दोस्तों हमें चेक करके कन्फर्म करना पड़ेगा। तो मैंने दो एच डी कोयल, ये इसका पुराना वाला ख़राब एच डी कोयल और ये इसका दूसरा एच डी कोयल, मैंने फ़िलहाल अभी एक बाइक से खोली है क्योंकि कन्फर्म नहीं है। तो इसके यहाँ तक करंट आ रहा है तो 100% हमारा एच डी कोयल ख़राब होगा, इसी से इशू हो सकता है। तो फट से इसको टाइट करते हैं, और ये इसका लॉन्ग अर्थ वायर जो आर आर यूनिट में टाइट होता है। तो फट से इसको असेंबल करके प्लग इन प्ले करते हैं और डायरेक्ट आपको करंट चेक करवाते हैं, ठीक है? तो पहले टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने कंप्लीट इसको असेंबल करके इसको होल्ड कर दिया है। अब इसमें करंट चेक करना है कि हमारे स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इग्निशन ऑन कर लेते हैं। तो देख पा रहे इसमें करंट हमारा प्रॉपर आ गया, सिर्फ इसमें एच डी कोयल का इशू था। यहाँ पे करंट हमारा प्रॉपर आ गया, इसी से इशू है। और सी डी आई जब नहीं है तो कंफर्म है कि यही हमारा एच डी कोयल ख़राब था। तो चलिए इसमें सारा प्लग वगैरह लगा के कंप्लीट टैंक वगैरह लगा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो से सीखने को कुछ मिल गया। आपके पास अगर स्पॉट जाता है तो इस तरह से आप चेक करके उसका करंट का प्रॉब्लम सोल्यूशन कर सकते हैं। इसी सब जो वायर में आपको बताएं उसी में आपको करंट चेक करना है, और इस तरह से प्रॉपर आप करंट को ला सकते हैं। आपको मैग्नेट कभी खोलने की ज़रूरत नहीं, मैग्नेट आप ना खोलें, डायरेक्ट आप इधर से जो प्रोसेस बताएं उसको चेक करें। आपको पिकअप कोयल का जो वायर कट किया भाई ने इसको भी नहीं कट करना है, आपको सिर्फ चेक करके कंफर्म कर लेना है। तो चलिए फट से सारे चीज़ को असेंबल कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आपके मन में कोई भी बाइक रिलेटेड वीडियो हो, किसी का करंट चेक करना हो, या फिर किसी में आपको वायरिंग रिलेटेड कोई परेशानी हो, या इंजन फिटिंग वीडियो चाहिए, तो वीडियो नीचे कमेंट कीजिए ताकि उसका वीडियो हम बना दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।